जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यान ने बुधवार को जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यान ने परिवार कल्याण कार्यालय सीएमओ एवं सीएमएस कार्यालय में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यान ने बताया कि जिला अस्पताल में इस समय 100 कोविड मरीज भर्ती हैं, जिनका आरटीपीसीआर में रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन उनके भीतर कोविड के लक्षण नजर आ रहे हैं। उनको सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निर्देशित किया गया है। जीएम ने कहा कि शासन के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का जनपद में काफी असर देखने को मिला है। लॉकडाउन से कोविड मरीजों की संख्या में काफी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि एक सप्ताह के अंदर शहर के सभी मरीजों का उपचार कर उनके घर उन्हें भेज दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि जनपद में 1465 निगरानी समिति बनाई गई है, उन सभी सदस्यों को 10-10 दवा का किट भिजवाया जा रहा है। डीएम ने बताया कि 30,000 किट दवा का वितरण किया जाएगा, साथ ही किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर थोड़ा सा भी लक्षण है तो वह दवा जरूर खाए। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी लक्षण वाले व्यक्तियों को दवा का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अभयचंद श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यान ने कहा, अब इसके लिए सारे उठवा करके तो एडीएम साहब को तो इन लोगों को दे देना, सारा पैकेजिंग करा करके हम वहाँ से उससे और खराब हो। देखिए 10,000 ये थे कि एसडीएम साहब को दे दीजिए, ये बंडलम बना करके सभी को दे देंगे, आज उसको समाप्त कर दिया रात तक। टेस्टिंग कौन करेगा, बढ़ती जा रही है वो, अब डोर टू डोर जो सर्वे चल रहा है इस समय में, कब तक चलेगा डोर टू डोर सर्वे? खत्म हो गया, खत्म हो गया, फिर उससे कितने केस मास्क पहनो, हाँ धो ले, बाकी कोरोना तब तक इंतजार नहीं कर सकते। हमने कहा सर 30% सेवा है जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, नॉर्मल टेस्ट करने में वन डे कॉन्टैक्ट टेस्टिंग, तभी तो एक्सरे आपके पास है क्या? एक्सरे से ही पता चल जाता है कितने परसेंट है वो निकाल देंगे। लेटर
देखिए जिला अस्पताल में प्रिवेंटिव कोविड मरीज भी है यहाँ, यानी कोविड लक्षण है बट कोविड का कहीं आरटीपीसीआर में रिजल्ट में निकला नहीं है, वो भी लगभग 100 मरीज यहाँ है। उन लोगों को व्यवस्था देखने के लिए आया हूँ, यहाँ उपकरण क्या क्या चाहिए वो भी हम लोग प्रोवाइड किए, बाकी डिटेल में चर्चा किए थे आज, आगे वैक्सीनेशन कैसे करना है और कहाँ कहाँ जो कंटेनमेंट जोन है उसके कैसे व्यवस्था हो रही है वो बाकी चीज़ का हम लोग आकलन किए थे। और उम्मीद है तो शहर में अभी तो फिलहाल पिछले 2 दिन में केस कम हुआ है और लॉकडाउन का भी हम लोग को फ़ायदा मिला है, उसे लेते हुए हम कोशिश कर रहे हैं 1 सप्ताह के अंदर केस बिल्कुल शहर का अंदर का केस को तो ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। निगरानी समिति 1465 निगरानी समिति है उसका, और निगरानी समिति के सब समिति के सदस्य का तो हम लोग 10-10 किट आज भिजवा रहे हैं, तकरीबन 30,000 किट हम लोग इनको बांटेंगे। जो भी मरीज़ कहीं से भी निकले हैं, मान लीजिए भले सिम्टम है सिम्टम भी नहीं है, उनको भी देने के लिए हम लोग डायरेक्शन दिए थे, ताकि मामूली दवाई होती है, पैरासिटामॉल है, थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक है, फिर विटामिन टैबलेट्स है, ये देने में कोई किसी का नुकसान नहीं होगा बट ना खाने में नुकसान होगी, इसलिए तो हम लोग ये प्रेरित कर रहे हैं। किसी का कोविड मरीज़ है, हल्की सी भी लक्षण है और उनका कोविड मरीज़ का जो तीमारदार है, जो अटेंडेंट है, उनके घर का करीबी जो व्यक्ति है, उन्हीं को भी हम दवा दे रहे हैं ताकि वो भी सुरक्षित रहें।